कश्मीर के अगर कोई टारगेट किलिंग होती है उन्होंने हाउस अरेस्ट किया जाता, उन्होंने बाहर नहीं कटिया जाता। क्यों? क्योंकि वह कश्मीर के लोगों के नाल अपना जिले दुख वंडाण जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्होंने बंद कर देती है। वो बोलती है जी ये जाके माहौल भड़काएंगे। अरे यार अगर अही साढ़े घर के नाल किसी डैथ हो जाएगी मैं क्या उत्थे माहौल भड़कान जावगा? फिर आप आके हमें पूछो कि वो वहाँ पे जी गए नहीं, वहाँ के लोग बोलते अरे भाई वो भी तो कहते हैं जान दो सानू, साडा भी हक है, अही भी इन्होंने लोगों के वजूब लोग हैं तो लीडर हैं, अगर लोग ही नहीं हैं तो लीडर क्या करेगा? लगातार जम्मू च प्रदर्शन वेखन मिले करता है टारगेटिंग किलिंग्स नू लेके। अज नैशनल कॉन्फ्रेंस के जेडे वर्कर्स ने उन्होंने भी अज एक प्रोटेस्ट किया इन्हीं किलिंग्स नू लेके, कंडेम किया कि अज जिहड़ी जिहड़े इंसीडेंट हो रहे ने वो ठीक नहीं होए करते ने, एडमिनिस्ट्रेशन नू कुछ करना चाहिए। इन्हें नाल गलबात करांगे। सब तो पहले तो मैनू ये दसो कि तुहाडे जिहड़े नैशनल कॉन्फ्रेंस के जिहड़े पार्टी के जिहड़े अध्यक्ष ने फारूक अब्दुल्ला, ना तो जिस वेले ये इंसीडेंट होया ना तो उन्होंने कोई ट्वीट किया इस बारे, ना तो वो रजनी जी की फैमिली के कोल गए, ना ही वो राहुल भट्ट की फैमिली कोल गए, ना ही वो जो राजस्थान का मुंडा सी जो बैंक में काम करे करता ही, ना ही वो उनके कोल गए। मतलब इस गल तो मैनू तुसी समझाओ कि बई एक इन्नी वड्डी पार्टी का एक अध्यक्ष होने के नाते तुहानू लगता है कि इस तरीके का रवैया सही है? देखो सब तो पहले तो मैं तुहानू ये दस देना चाहना कि फारूक साहब सोशल मीडिया नहीं चलाते, साडा एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट है JKNC और JKYNC, उदे पर लगातार कंटीन्यूस जितनी भी किलिंग्स हुई हैं उदे बारे विच सब तो पहले उस चैनल दे राही उस दे ऊपर ट्वीट किया गया, चाहे वह सोशल मीडिया ट्विटर होए, फेसबुक होए या इंस्टाग्राम होए, ये मैं तुहानू ऑन रिकॉर्ड दस भी सकता हाँ। दूसरी गल जिहड़ी तुसी बोली कि इत्थे कोई नहीं गया, साडे सीनियर लीडर्स साडी प्रोविंशियल प्रेजिडेंट जो जम्मू दी हैं वह भी सुनीता देवी दे घर सांबे विखे गए नो, रजनीवाला दे घर उत्थे गए नो। हर एक लीडर जिहड़ा जिथे जिथे अप्रोच करता है उन वो कश्मीर हन, कश्मीर दे विच अगर कोई टारगेट किलिंग होंदी है उन्हां नू हाउस अरेस्ट किया जाता, उन्हां नू बाहर नहीं कढ़िया जाता। क्यों? क्योंकि वह कश्मीर दे लोकां दे नाल अपना जिले दुख वंडाण जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्होंने बंद कर देती है। वो बोलती है जी ये जाके माहौल भड़काएंगे। अरे यार अगर अही साढ़े घर के नाल किसी डैथ हो जाएगी मैं क्या उत्थे माहौल भड़कान जावगा? हर एक बंदे की सोच जिहड़ी है लीडरशिप के वास्ते गलत है। बाकी सोशल मीडिया के बीच सब तो ज़्यादा अगर तुम देखोगे जिसने भी इस चीज़ को कंडम किया है, NC का पेज देख लो, YNC JK का पेज देख लो, उदों भी साफ तौर पर तुम्हें लभेगा कि असी किस वेले कंडेम करते हैं नहीं करते हैं। उस तो इलावा भी कई साडे जिहड़े स्पोक्सपर्सन हैं तुसी उन्होंने भी देखो हर मीडिया चैनल दे उपर उन्हां दी डिबेट। जिस वेले फारूक अब्दुल्ला साहब दे नाल जिस वेले पुछया गया उन्होंने कि तुसी इस किलिंग दे बारे च मतलब ये जो टारगेटिंग किलिंग्स हुंदी पई है तुसी इस बारे की कहोगे, तो उन्होंने कुछ खास जवाब जिहड़ा है वो नहीं सी। देखो प्रोफेसर भीम सिंह होरां दी डैथ होई उत्थे उह शामी वेले किसी ना किसी तरह करके उत्थे पहुंचे जम्मू विखे, उस वेले हाउस अरेस्ट नहीं होया। उस वेले ऑलरेडी उस वेले उन्होंने अपना कोई ईडी का समन सी उतू फ्री हो के वो प्रोफेसर भीम सिंह जेडे के एक जानी मानी हस्ती सन उन्होंने अंतिम शरीर के दर्शन करने लिए वो उत्थे पहुंचे। उस तो बाद भी तुसी जिहड़ी तुसी गल पूछी है कि टारगेट किलिंग्स के बारे शायद तुसी उत्थे नहीं सो, बाकी बहुत सारा मीडिया सी जिहदे विच उन्होंने ब्रीफली ये जिहड़ी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उहदे बारे विच 5 मिनट का इंटरव्यू है जो प्रोफेसर भीम सिंह साहब के गेट के बाहर खड़े होकर फारूक साहब ने दिता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं बोलता, पर हाँ उन्होंने बोलन नहीं दे दिता जाता, उन्होंने गल को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम सत्ता में जिहड़ी सरकार है वह भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वह गवर्नमेंट इंडिया की हो चाहे वह जम्मू कश्मीर की हो। हुण तुसीं भारतीय जनता पार्टी की गल की, जिस वेले रजनी बाला जी मतलब जिस वेले हादसा होया जिस वेले इंसीडेंट होया भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े अध्यक्ष ने रविंदर रैना और रजनी बाला दे घर पुजे सी, उनके फैमिली दे नाल मिले सी, तो तुसीं किस तरह ये कह सकते हो कि मतलब तुसीं उनके उपर किदा सादा सादा जिहड़ा इल्जाम है ला सकते हो? उन्होंने अज तक हाउस अरेस्ट किया गया? एक चीज़ का जवाब दो, अज वो जम्मू प्रोविंस विच रह के सांबा जम्मू का ही एक हिस्सा है, क्या अगर वो रजनी बाला जी दे उत्थे पहुंच सकते हैं क्या उन्होंने हाउस अरेस्ट किया गया? नहीं। अगर
कश्मीर के कोई टारगेट किलिंग होंगी है उत्तर फारूक साहब या उमर साहब या कोई भी लीडर जाएगा उन्होंने पहले हाउसलैस किया जाता है। गवर्नमेंट को पूछो ना जी, गवर्नमेंट बुखला गई है, लोग उन्होंने प्यार करते हैं, उत्थे दे लोग चाहते ने इन्हों, क्योंकि लोगों इन्होंने पिछले 10 साल तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बना लिया धर्म धर्म के नाम उपर। अगर रजनी बाला की डैथ हुई है क्या पाकिस्तानी ने आके इतने मारिया? उन्होंने को एक ही चीज़ है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंसाफ दिलवाओ ना जनाब। जड़े हुन कश्मीरी पंडित जड़े सड़कां ते हल्ले इस वेले प्रोटेस्ट करे करदे ने अपनी डिमांडा वास्ते लड़े करदे कि साडे वास्ते कोई कोई पॉलिसी कड्ढी जाए, ठीक है तुसी मेरी गल सुनो, पॉलिसी कड्ढी जाए ठीक है। उनका भी यो कहना है कि बई फारूक साहब एक बार भी साढ़े कोल आके उन्होंने साढ़े नाल साडा दुख नहीं सांझा कीता, साढ़े बारे एक गल नहीं कीती। मैं ओही ते तुहानू कह रहा क्यों नहीं गल की, मैं तुम्हें अजे 3 दिन पहले भी मीडिया ऑन रिकॉर्ड दस सकता जिहड़ा उन्होंने टारगेट किलिंग के उपर प्रोफेसर भीम सिंह के गेट के बाहर खड़े होकर जी बयानबाजी की है। मैं तुम्हें कह रहा कि जी बयानबाजी करते हैं मीडिया उन्होंने तोड़ मरोड़ के दस दिता, खाली उत्तर कश्मीरी पंडित की डैथ नहीं हो रही, ठीक है जी वो मुस्लिम्स भी हैं जिन्हें डैथ हो रही है, जो उत्थे के रहने वाले नहीं वो भी हैं, पर असी लोग के दिखा रहे हैं ओनली एंड ओनली कश्मीरी पंडित। क्यों भाई एक तरफा इन्होंने जो इलेक्शन आए यूपी के इन्होंने 370 के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि जी अब वहाँ पे माहौल ठीक है, ये है वो है, आज वही माहौल कैसे खराब हो गया, अचानक से कश्मीरी पंडित वहाँ से घर छोड़ के आने शुरू हो गए, फिर उन्होंने टनल बंद कर दी उनको रोकने के लिए, क्यों क्यों कौन इसका जवाब कौन देगा? रविंदर राणा जी देंगे? क्यों नहीं देते इस चीज़ का जवाब? आज ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि जिन पंडितों के नाम पे आप पिछले 10 साल से सियासत कर रहे हो, हमने ये कर दिया, हमने नॉर्मलसी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, आज ऐसा वहाँ क्यों आ गया? आप बोलते हो दुख, हम लोग दुख मिटाना चाहते हैं ना, हम जाते हैं, हमें क्यों रोका जाता है? लीडर को क्यों, ये कहाँ का ला है कि एक इतना बड़ा लीडर जो कई बार चीफ मिनिस्टर रहा, एमपी रहा, सेंटर में मिनिस्टर रहा, उसी को जब वो अपने किसी के पास अगर अपना दुख प्रकट करने के लिए जाए और उसको हाउसलेस किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर आप आके हमें पूछो कि वो वहाँ पे जी गए नहीं, वहाँ के लोग बोलते अरे भाई वो भी तो कहते हैं जान दो सानू, साडा भी हक है, अही भी ना लोगों के लोग हैं तो लीडर हैं, अगर लोग ही नहीं हैं तो लीडर क्या करेगा? लोगों दिया अखा पर इन्होंने पट्टियां बनती दी कालियां बीजेपी वाले ने, साफ है ना, और किन्ने बनी अज की डेट के ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਯਾਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਐਨਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਜੀਤੇ ਥੇ ਹਮੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਕੋਈ ਹਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਬ ਆਪ ਹਮੇ ਆ ਕੇ PSA ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ PSA ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸਲੈਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਚਨੀ ਹਸਤੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, NCA ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ BJP ਵਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਖੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
अपने वोट बैंक वास्ते नहीं, सियासत यह नहीं है। सियासत है अगर लोगों ने तुहानू वोट दे के पाया है, पहुँचाया कितने तक, उहदा यह काम है कि लोगों की सेवा की जाए, ना कि उन्होंने लड़ाया जाए। इस वेले लगातार प्रदर्शन जिहड़ा है जम्मू की सड़कों पर चलता पिया है। जिहड़े जम्मू बेस इंपलॉइज ने जिहड़े कश्मीर च काम कर रहे सी, वह भी लगातार हुण धरना दे करदे ने। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी गल जिहड़ी है वह नहीं सुने करदी, इस बारे तुहाडा की कहना है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं दस रहा कि एल जी साहब जो बैठे ने, मैनू तो नहीं लगता कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ हाई लैवल मीटिंग करने सोल्यूशन का हल नहीं होना मैडम, आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। वहाँ पर लोगों की हत्याएं जो हो रही हैं उनको रोकना पड़ेगा, इसको रोके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। अगर आप बोलेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब के वहाँ जाने से या ना जाने से कोई फर्क, मैं तो बोल रहा हूँ ये हत्या होनी क्यों चाहिए? ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हम वहाँ पर किसी के कंडेंस में जाएँ? हम खुशियाँ बांटने के लिए आए थे यहाँ पर, हमने लोगों को खुशियाँ देने के लिए आए हैं, हम लोगों की हत्या पर अफसोस जाहिर करने के लिए नहीं बैठे यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को बैठ कर हाई लेवल मीटिंग करना दिल्ली करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर परमानेंट कोई जिम्मेदारी तय हो कि एल जी साहब हों या हमारे होम मिनिस्टर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, क्यों चुप बैठे हैं? मीटिंग तो पिछले 70 सालों से लोग कर रहे हैं, ये 8 सालों से मीटिंग ही तो कर रहे हैं। बताओ ना, सड़कों पे लोग अगर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? ये मीटिंगें करने से कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन है यहाँ पे? अब बोलते हैं दिल्ली और दिल की दूरी, कश्मीर की दूरी हम खत्म करेंगे, कहाँ से करेंगे? ट्वीट तो आपसे एक होता नहीं है। हाँ, वहाँ पे हो जाएगा, कोई पाकिस्तान में या इराक में को होगा, आप कंडम कर दोगे। अपने कश्मीरी पंडित भाई मर रहे हैं, मुस्लिम भाई मर रहे हैं, ये एक ट्वीट, छोटा सा ट्वीट, मोदी साहब आप सो रहे हो ऐसे तो आप बोलते हो मैं ट्विटर किंग हूँ, कहाँ हो? एक अफसोस जाहिर आपसे होता नहीं है कि आप के लोगों को संवेदनाएं भेजो, फिर आप भेज देते हो बीजेपी के अपने रविंद्र रैना साहब को, वहाँ पर इनको जो जलालत होती है वो आप मीडिया को पता है? मीडिया दिखाता ही नहीं है सच। अब मीडिया देखिए मीडिया हमें दिखा रहा है, लेकिन हमें लोगों में जाना है, हमें मीडिया में नहीं आना है, हमें लोगों के बीच में जाकर बैठना है, लोगों से संवेदनाएं करनी है। ये अफसोस बहुत हो चुका है, ये लोग बहुत मर चुके हैं। अब ये हम तो एल जी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये मुलाजिम हैं इनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करो, कम से कम उनकी जानें तो बचेगी। अगर जान है तो जहान है, अगर नौकरी से कोई फायदा नहीं। एंड जी, मैं थोड़े तो यो ही पूछना चाहवागी कि हूँ एल जी एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम की उम्मीद करते हो, क्योंकि जेडे जेडे मिनोरिटी कम्युनिटी के लोग ने, जेडे सिविलियंस ने, अज के टाइम च कोई भी कश्मीर च जेड़ा बंदा जा रहा है वो अपने आप नूं सेफ फील नहीं कर रहा है। ये उनका आप का कहना है कि असी अपने आप नूं सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तुसी सानू उस पासे लाओ, उस जगह लाओ जिथे असी सेफ फील करिए, या साढ़े वास्ते कोई सिक्योरिटी दे दो। तो इस बारे तुसी की उम्मीद करते हो एल जी एडमिनिस्ट्रेशन तो? असी तो इस टाइम यही चाहवांगे कि जिस तरह के मेरे भाई साहब ने पहले ही बोलिया कि नौकरी को पहले जान, अगर जान है तो जहान है। तो अगर माफ़ी चाहवागा मैं फिर अपने विषय तो दूसरी साइड जा रहा, जिथे इन्होंने ये वादे किए सन कि 370 टुटने के बाद सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, हर जगह कश्मीर के माहौल ठीक है, कुछ भी नहीं है, टूरिस्ट आ रहा जा रहा, पर अज वही मीटिंग चल रही ने कि उस चीज़ को किस तरह रोकया जाए। तो इतने दिन इतने साल लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया गया?